दोस्तों टीम इंडिया के पहले प्रैक्टिस सेशन में उमरान मलिक ने 163.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक कर सनसनी मचा दी और दुनिया के सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हालांकि यह गेंद काउंट नहीं होगा क्योंकि एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में नहीं फेंका गया, लेकिन इसके बाद भी उमरान मलिक ने जिस तरीके से अपनी शुरुआत करी है टीम इंडिया के लिए, उसे देखने के बाद हर कोई हैरान है और उनकी ज़बरदस्त स्पीड से सभी कोई उनका दीवाना बन चुका है। अब ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या उमरान मलिक टीम इंडिया के लिए जब अपना पहला मुकाबला खेलेंगे तो उस मुकाबले में शोएब अख्तर के 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या फिर नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं इसी तरीके के लगातार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में उमरान मलिक की तारीफ जो है जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो फिलहाल पूरी दुनिया में भारतीय का परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं।